तो भाई यहाँ पर आधा घंटे होने वाला है और बैठा हूँ मैं यहाँ पर अभी मस्त करके। उस टाइम पर सीधा जाता ना तो अभी सही जगह पहुँच जाता, बट क्या हुआ उल्टा आ गया। अभी देखते हैं भाई क्या सीन होता है। अभी यहाँ पर मस्त मज़े से बैठते हैं, 6:30 बज चुके हैं। है भाई डर भी लग रहा है, डर तो क्या लगता है, बट यहाँ पर देखिए इतनी रात हो रखी है और आज बाबा जी नहीं है शायद वहाँ पर। जैसे सुबह उठे वैसे ही बाहर देखा तो यहाँ पर भाई बारिश लगी हुई है और बहुत टाइम के बाद बारिश आ रही है। खुशी भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है क्योंकि शादी आने वाली है जल्दी से, तो इस वजह से दुख भी हो रहा है और अच्छे भी लग रहा है क्योंकि गेहूं की जो हमारी खेती है बिल्कुल मस्त हो जाइए। और देखिए अभी रेड पैट हो चुके हैं और अभी जाने की तैयारी हो चुकी है जो मैंने आपको कल बताया था। तो अब चलते हैं भाई यहाँ से और आगे आगे देखना कहाँ को जाना। बाय बोले बाय 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 गुड नाइट सो जाओ। अच्छा अब ब्रश धर रहा है, अरे ब्रश थोड़ा है नहीं तो ले लो चल बैठ। तुम ये मैं बाबू हां तो रोड में जाकर जरा फोन कर दे। हां सिमन बोल जहां हो बैठा था जा तो शुरू बच्चा से पास में बोल के जा वापर है जवल में भी क्या एक्ट। तो भाई देखिए भाई रात हो चुकी है बहुत ही खतरनाक और भाई आज जा रहा हूँ मैं दिल्ली और इस साइड को ना बहुत ही अंधेरा हो रखा है भाई, डर भी लग रहा है, डर तो क्या लगता है, बट यहाँ पर देखिए इतनी रात हो रखी है और आज बाबा जी नहीं है शायद वहाँ पर। इस वजह से थोड़ा डर का माहौल तो बना हुआ है पर उतना ज़्यादा नहीं बन रखा है। और भाई आज ना बहुत टाइम के बाद बारिश हो रही है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गेहूं की खेती कैसी हो रखी थी ना, आप तो ठीक हो गई है ना, हो जाती है मतलब। और मैं छाते लेके भी नहीं आ रहा था भाई, बहुत गलत कर दिया मैंने चेक। मैंने कहा था ना कि मम्मी को कि मैं छाता लेके जाऊंगा, बट क्या हुआ छाता लेके नहीं आ रहा को यार, सीन ख़राब हो गया। आप देखते हैं भाई फ़ोन भी चार्ज नहीं हुआ, आज ही ऐसा हुआ कि फ़ोन भी चार्ज नहीं हुआ भाई, क्योंकि मैंने कल रात को फ़ोन चार्जिंग को लगा रखा था और वो क्या हुआ कि मैंने नेट खोल के रखा हुआ था तो सबसे पूरा हो गया भाई। डर भी लग रहा है यहाँ पर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय भोले शंकर की जय, बम बम बोले की जय हो भगवान जय। तो देखिए अभी मैं ठीक पहुँच रुका हूँ भाई बजरू खड़े के मतलब रोड के नीचे और मुझे लग रहा है कि भाई बस चली गई, रोडवेज भी और 6 वाले भी। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। अभी गए हुए, अभी मैं जैसे नीचे था वैसे ही यहाँ से बस गो हो चुकी है। तो हमारे गांव से भाई रोड दूर होने की वजह से यही सीन होता है, हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती है, कभी बस छूट जाती है कभी कुछ हो जाता है, मतलब ऐसा तो रहता ही। और आपने देखा कि जैसे कि सामान यहाँ से उतनी दूर नहीं जान पड़ो यार, अब क्या होगा आपके वहाँ जान मिला टैक्सी वैक्सी कुछ आया ना। तो भाई जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता रखा था कि मैं कहीं जाने वाला, तो फाइनली वो दिन आ चुका है, अभी जाना होगा दिल्ली शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए और कुछ सामान भी होगा तो सामान भी लेके आएंगे। अब यहाँ पर बैठ जाते हैं भाई, क्या करना है सुबह लेके, और बस तो मेरे हिसाब से चली गई है। तब देखते हैं कुछ मिलेगा तो नहीं तो यहीं पर ही बैठे रहेंगे और गाड़ी का वेट करते हैं। तो चलो फिर बाय बाय। पर 1 घंटा से ज़्यादा होने वाला है और अभी तक बस आई नहीं, जो नीचे के 2 रोडवेज थे वो तो चले गए हैं और ऊपर वाले।
एक मेट्रो आ गई यहाँ से। आधा घंटे होने वाला है और बैठा हूँ मैं यहाँ पर अभी मस्त करके। उस टाइम पर सीधा जाता ना तो अभी सही जगह पहुँच जाता, बट क्या हुआ उल्टा आ गया। अभी देखते हैं भाई क्या सीन होता है। अभी यहाँ पर मस्त मज़े से बैठते हैं, 6:30 बज चुके हैं। हे भगवान, क्या खजान से मिला अभी तक। तो भाई मैं पहुंच गया था कल और बड़ी मुश्किल से घर पहुंच गया था। अभी भाई लोग सभी चले गए हैं, मतलब भाई ड्यूटी पे गए हैं और भाई दुकान पे गया है। तो ऐसा करते हैं यहाँ से अगले ब्लॉग को शुरू करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो चुका है। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड और स्वागत आपके शहर में। नए ब्लॉग के साथ नए ब्लॉग बनेगा, तो आप कल वाले वीडियो में देखना भाई, बहुत ही मज़ा आने वाला है कल वाला ब्लॉग।